कई बार कामयाबी का पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो सामने वाले के लिए बोझ बन जाता है। बहरहाल पठान की जो कामयाबी है, जो सुपर सक्सेस वाले कलेक्शंस हैं, वो शाहरुख खान के लिए तो फायदेमंद हैं, लेकिन बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। अब हर तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि क्या पठान का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है। ऊपर से सलमान खान के लिए डबल मुसीबत है, बिकॉज सलमान खान एज ए कैमियो इस मूवी का पार्ट है, लेकिन इसी मूवी के दौरान उनकी मूवी का ट्रेलर भी दिखाया गया जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान, जो कि कंटेंट वाइज पठान के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। सलमान खान की मास अपील तो इस मूवी में है, लेकिन जो मोमेंटम, जो टाइगर वाला फील उनको पठान में दिखा है, वो इससे गायब है। अगर आपने इस मूवी का टीजर देखा तो आप समझ सकते हैं साउथ इंडिया का एक मसाला रीमेक है, जहां पर नएपन की गुंजाइश बहुत कम है। जबकि पठान में यूनिवर्स को पैदा किया गया है, एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा बेटर है इस मूवी के मुकाबले अगर बात करें तो। प्लस जो बासे मसाले की गंध है वो किसी का भाई किसी का जान से ज्यादा आ रही है, पठान से कम आई थी। प्लस पठान ने एक नए मील का पत्थर साबित कर दिया सलमान खान की कैमियो को लेकर। अब उस कैमियो को अगर वो तोड़ पाते हैं, उस कैमियो से बेटर एंटरटेनमेंट दे पाते हैं, तब तो ठीक है, वरना उनके फैंस बहुत निराश होने वाले हैं। बिकॉज जहां तक इस मूवी को लेकर स्टोरी लाइन का मामला है, कॉन्सेप्ट का मामला है, तो ये बात सबको पता है कि साउथ की कई सारी फिल्मों का रिमिक्सी का मिक्स है, फिर चाहे वीरम हो, कटा मर्यादू हो, जिगर ठंडा हो या बच्चन पांडे हो। तो यहाँ पर किसी का भाई किसी का जान सलमान खान के कैरियर में मुसीबत भी ला सकती है, बिकॉज उन्होंने अपनी कामयाबी का कद इतना बड़ा कर दिया है पठान के बाद और टाइगर के बीच में कि किसी का भाई किसी का जान थोड़ा एवरेज मूवी दिखाई देती है। प्लस इस मूवी की स्टार कास्ट है बहुत फीकी और साउथ इंडियन है, जबकि नॉर्थ इंडियंस को यहाँ के लोग चाहिए। पठान में दीपिका थी, जॉन अब्राहम थे, आशुतोष राणा थे, डिम्पल कपाड़िया थी, प्लस शाहरुख खान थे, लेकिन इस मूवी में आपको नॉर्थ इंडियन एक्टर्स ना के बराबर दिखाई देते हैं। विलन की बात करें तो जगपति बापू हैं, कैमियो की बात करें तो वेंकटेश हैं, हीरोइन की बात करें पूजा हेगड़े हैं, साइड एक्टर्स में कई सारे छोटे मोटे नाम हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि पब्लिक को थिएटर तक खींच सकें। ऐसे में अपनी कामयाबी के पहाड़ के नीचे दबते नजर आ रहे हैं सलमान खान, और अब उनको पठान को और टाइगर को टक्कर देनी है तो किसी का भाई किसी के जान के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को बेटर करना पड़ेगा। सारी उम्मीदें इस मूवी के सॉन्ग्स पर टिकी हुई हैं, बिकॉज खबर आ रही है कि डीएसपी और हनी सिंह एक लुंगी डांस प्लान कर रहे हैं, जो कि शाहरुख खान के चेन्नई एक्सप्रेस वाले लुंगी डांस का ही ट्रिब्यूट होगा। ऐसे में सलमान खान को मास अपील बचा सकती है, लेकिन कहानी का क्या करें, जो कि ट्रेलर को देखते ही अंदाजा लग जाता है कि क्या होने वाला है। पूजा हेगड़े का सैड फ्लैशबैक, उनके भाइयों की शादी, विलन का हवा में उड़ना और साउथ की स्टोरी का मसाला, ये सारी बातें सलमान खान को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करेंगी। क्या वो अंतिम राधे और किसी का भाई किसी की जान की तरह रीमेक के भरोसे रहना चाहते हैं, या फिर पठान की तरह, टाइगर की तरह किसी नए फ्रेंचाइजी, नए वेंचर में जाकर अपने फैंस को एंटरटेनमेंट की सही डोज देना चाहते हैं। फैसला सलमान खान के हाथ में, लेकिन आखिरी फैसला तो उनके फैंस के हाथ में होगा, जो पठान के हक में चला गया है। और अब ये फैसला किसी का भाई किसी के जान के हक में जाता है या नहीं, ये आने वाली ईद में डिसाइड हो जाएगा। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।